राज्य और देश में दुष्कर्म की घटना में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों देश के अलग अलग हिस्से में दुष्कर्म की घटनाएं समाज को शर्मसार कर रही हैं। हैदराबाद में 25 वर्षीय महिला डॉक्टर का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अचानक उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक और दुष्कर्म की घटना ने महिला सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया। आरोपियों ने महिला के साथ दुष्कर्म तो किया ही, साथ ही सबूत मिटाने के लिए महिला को आग के हवाले कर दिया। उस महिला की देर रात सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। दुष्कर्म की घटना पर डाल्टनगंज विधानसभा के एनसीपी प्रत्याशी विजेता वर्मा का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हैदराबाद में जो इनकाउंटर हुआ है, जिस वजह से हुआ है, इतनी अमानवीय घटना जो लोग करते हैं हमारे यहाँ लोगों, ये जो रेप का मसला है, ये जो घटना हुई है, इनकाउंटर की घटना हुई है, मैं तो उसको बहुत सही मान रही हूँ। बल्कि हमारे गवर्नमेंट को, हमारे सरकार को, हमारे जस्टिस को, हमारी न्यायपालिका को एक ऐसा कदम उठाना चाहिए, जब ये लोग, ये जो घटना हुई है, ये इसको घटना ना होके ये एक संविधान बन जाना चाहिए कि जो भी इस तरह का अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, जो लड़कियों का रेप कर रहे हैं, उनके लिए तो एक अलग से रूल बन जाना चाहिए, एक क्लॉज हो जाना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ इस तरह व्यवहार ही हो। और ऐसे लोगों के लिए डेथ से बढ़कर तो कुछ नहीं है, बिकॉज ये किसी की बहन को मार रहे हैं, किसी की बेटी को मार रहे हैं, वो भी अमानवीय तरीके से। तो ये तो बहुत गलत चीज़ है, ये अपने आप में बहुत शर्मिंदगी वाली चीज़ है। ऐसी माताएं, मैं माताएं जितने हैं, जितने हमारे घर की बहनें हैं, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने घर के, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो चाचा हो, मामा हो, कोई भी हो, जो भी सोसाइटी के हमारे मेल फैक्टर्स हैं, उन लोगों को ये सीख टाइम टू टाइम दे के एक बहन क्या होती है, एक बेटी क्या होती है, एक माँ क्या होती है। अगर वो इस इन सब चीज़ों से वंचित रह जा रहे हैं, यही नतीजा है जिसके वजह से लोग आज इस तरह का अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं किसी भी लड़की के साथ, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये एक माँ का सबसे बड़ा फ़र्ज होता है, जैसे वो अपने बेटे को जन्म देती है, तो उनको ये सीख देना कि आपको बड़ा होकर क्या करना चाहिए, किस तरह से लड़कियों को देखना चाहिए, उनके अंदर आप पाप का भावना कभी मन में ना आए, इस तरह का लोगों को संस्कार बचपन से ही देना चाहिए। क्योंकि आज जो लड़के हैं इस तरह का अगर गलत हरकत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मिसगाइडेड हैं, कहीं ना किसी से मिसगाइडेड। लेकिन जो घर होता है, जो माँ होती है, जो बहनें होती है, अपने आप में सबसे बड़ी टीचर होती हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये हमारी महिलाओं से मेरा निवेदन भी है कि अपने घर के बच्चों को संस्कार दें, और इस तरह के जो घटनाएँ घट रही हैं, इसके लिए सरकार को चाहिए कि एक कड़ा नियम, जैसे आज हमारी पूरी जनता, पूरा इंडिया खुश है इस बात से कि उन लोगों का इनकाउंटर हुआ है। शायद ही कोई ऐसे लोग होंगे जो इस बात से खुश नहीं होंगे। जो महिलाएं हैं वो तो काफ़ी खुश हैं, हर जगह की महिलाएं काफ़ी खुश हैं कि ये जो अभी इनकाउंटर हुआ है, ये हर समय होना चाहिए। जितने भी पहले रेप हुए हैं, तो इस तरह के जितने भी अमानवीय घटनाएं घटी हैं, दिल्ली में भी हमारे पहले जो निर्भया कांड हुआ या जो भी कांड हुआ है, ऐसी घटनाएँ के बाद ये जो हैदराबाद पुलिस ने किया है, वाकई बहुत सराहनीय है ये चीज़। और अब लोगों के मन में, एक लड़कियों के मन में भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, कहीं तो कुछ पहल हुई है लड़कियों के लिए, लड़कियों की सुरक्षा के लिए। अब लोग, कम से कम हैदराबाद की बात करूँ या पूरे इंडिया की बात करूँ, तो अब लोगों के मन में ये विचार तो ज़रूर आएगा कि कहीं, अब मान लीजिए अगर रांची की मैं बात करती हूँ, पलामू की बात करती हूँ, तो लोग उस तरह का सोचने से भी डरेंगे कि कहीं हमें भी कोई पुलिस वाला ना मार दे, इनकाउंटर हमारी भी नहीं हो जाए। तो अब लोगों के मन में ये डर तो ज़रूर बैठ जाएगा इस इनकाउंटर के बाद, जो कि बहुत ज़रूरी है। और ये इनकाउंटर अच्छा हुआ है, क्योंकि जब कोई लड़की को इस तरह से सरेआम उसका रेप करके और उसको मार दे, कम से कम ये उस तरह का तो घटना नहीं है। इनकाउंटर, वो भाग रहे थे, उनको मार दिया गया, वो गलत करके जा रहे थे, तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई है मेरे हिसाब से। सबरंग समाचार के लिए रांची से रिजवान की रिपोर्ट।